lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence. यार आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट अखिलेश सर कि यू नो इट्स नॉट अ स्मॉल अवार्ड, दस अफाल के एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है और हर किसी को हिम्मत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है कि जब अवार्ड मिलता है उनको. तो आई वॉन्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सर ने मुझे इस इवेंट में बुलाया और मैंने कुछ अवार्ड भी दिए हैं जो कि मुझे नहीं पता था, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल द अवार्डीज एंड वेरी ग्रेटफुल. फिल्म में अभी कंपटीशन चल रही है, दो सिंगिया पाएंगे एक्टर आपको ही कहना चाहिए वाकई में, चाहे मलयालम फिल्म में हो हिंदी फिल्म में हो, आप एक ही बार एक कर लें. क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, क्या क्या चल? यार आई एम वेरी ग्रेटफुल कि दैट आई एम वर्किंग इन ऑल लैंग्वेजेस, मलयालम एंड तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा. सो आप सब कुछ 45 कुछ तेलुगु फिल्में, मलयालम फिल्में हैं, तीन फिल्में अभी ममूटी सरकार रिलीज हुई है, इट्स गॉट वेरी बिग हिट टर्बो एंड ARM इज बिग हिट. नाउ नेक्स्ट इज मार्को ऑपोजिट उन्नी मुकुंदन, दैट्स अगेन पैन इंडिया मूवी, दिसंबर में रिलीज है. फिर अभी पवन कल्याण सर के साथ एक फिल्म ऑफर हुई है. सो सोचिए, सो मार्केट इज वेरी मच ओपन नाउ. बॉलीवुड के एक्टर्स वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के एक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं, इट्स वाइड ओपन. कलाकारों के लिए बहुत अच्छा है. आई एम वेरी हैप्पी यार कि मुझे लेबल मिला एंड देन आई एम वर्किंग इन ऑल द लैंग्वेजेस एंड मुझे एक्सेप्टेंस मिली कि वेदर इट्स मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड ऑफ कोर्स हिंदी मूवीज कमिंग, व्हिच आई टोल्ड यू अभी अबाउट दैट जी स्टूडियोज फिल्म सीरीज मैंने कंप्लीट किया. अभी फिल्में ऑफर होती हैं यार बिकॉज जब आप इतना काम कर लेते हो आप स्क्रीन पर अराउंड 70 फिल्म्स एंड बड़ी फिल्में अजीत कुमार के साथ, सुदीप किच्चा के साथ, सो फिल्में ऑफर होती है. जस्ट कि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग बिग नाउ. वो कहते ना सर कि रोटी कपड़ा मकान, सो मकान हो गया बॉम्बे में, अभी शादी हुई है, आई एम वेरी मच हैप्पी, सेटिस्फाइड लाइफ नाउ एंड चीजें चल रही हैं, ठीक है, हो जाएंगे. थैंक यू. मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा अवार्ड है ये, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड और बहुत खुशी हुई मुझे कि मुझे ये अवार्ड मिला. एक एक्टर के लिए क्या होता है, एक हमेशा मोरल बूस्टिंग होती है कोई भी अवार्ड हो तो आप हमेशा अच्छा महसूस करते हो, मोरल बूस्टिंग आपको होता है तो बड़ी खुशी होती है आपको. एंड आई एम सो हैप्पी अखिलेश जी ने या फिल्मोरा मीडिया नेटवर्क ने बड़ा अच्छा कवर किया इसको एंड जो उभरते कलाकार है, जो इंस्पायर्ड कलाकार है उनको भी एक अवार्ड देके एक होता है कि लोगों में एक
प्रगति की भावना होती है, एक प्रोग्रेस होती है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर. एंड लोगों के लिए भी कुछ लोगों ने कहा रिगार्डिंग द इंस्पिरेशन, सो आई एम सो हैप्पी कि लोगों के लिए मैं इंस्पिरेशन बन रहा हूँ. एंड थैंक यू सो मच ऐसे अवार्ड्स देते रहने. हर हर महादेव. कैसे हैं आप सब? ऐसी जी हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ फिल्मोरा और हमारे अखिलेश जी का. अभी अभी 2 महीने पहले शादी हुई है मेरी यार. तो शादी के बाद भी अगर मैं ये घर पर लेकर आ सकती हूँ तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है. एंड यस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड. एंड इस बार ये अपने सासू माँ और पतिदेव को दूंगी, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शादी के 3rd दिन मैं शूट पर नहीं जाती और हमारा मिश्री फ्लोर पर नहीं होता. सो दैट इज़ वाई थैंक यू सो मच फॉर बाला साहेब फाल्के अवार्ड. एंड महादेव की कृपा है. मेरा शो चल रहा है कलर्स पे मिश्री, जो सोमवार से रविवार रोज 8:30 बजे आता है. कभी खट्टा कभी मीठा, हर साल हर बार हर नया किरदार आप वैम्प में ही देखते हैं. ये थोड़ा वैम्पिश है बट डिफरेंट है. तो इस बार देख के आप मुझे बताइए सब कि इस किरदार में मैं आप सभी को कैसे लग रही हूँ. थैंक यू. हर हर महादेव. मैंने मिसेस यूनिवर्स दिल्ली से विन किया है एंड मिसेस वर्ल्ड नोएडा से. सो आई एम हियर. ये मेरा फर्स्ट आईफा अवार्ड है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एसके टीम एंड पीयू टीम एंड पीयू प्रोडक्शन. एंड आई वांट टू थैंक गॉड एंड माय पेरेंट्स. थैंक यू सो मच. क्या कुछ कहना चाहेंगे अखिलेश सर का ये अवार्ड सेरेमनी में आप आए हैं, हाजिर हुए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? ये बहुत खुश हुआ और ये ऐसा मौका नहीं मिल रहा था. ये भगवान का इच्छा है इसलिए बहुत धन्यवाद है. और क्या कुछ शुभकामनाएं रहेंगी आपको? इतना बड़ा उन्होंने अवार्ड दिया है, इतना बड़ा बड़ा काम होना ही चाहिए. थैंक यू. और आपने अभी स्टेज पे काफी कुछ कहा अखिलेश जी का, तो मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ. ऐसे इंसान तो बहुत कम मिलते हैं जो सबको एक तरह एक जगह मिलाते हैं एक छत के नीचे. और उन्होंने चॉइस कर करके लोगों को बुलाया है और बताया है कि ऐसे लोग जहाँ पे हों वहाँ पे हम अपने आप सुधर जाते हैं. और जीवन में ऐसा ही सबको अपना अपना कदम बढ़ाना चाहिए, सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए और सबको एक मिलना चाहिए. तो एकता हमारी हमारे देश को कहां से कहां ले जाएगी, यही सोचते हुए हम जीवन में सबकी सेवा करें, सेवा करते रहें. और जो भी हमारे सामने आए, कभी अच्छे दिन भी आते हैं कभी बुरे भी आते हैं, तो उससे ना घबराएं. फिर मेहनत के ऊपर भरोसा रखें और मेहनत करें तो उस तरह हमारा जीवन बिल्कुल साधारण, हमको एक मार्ग मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एक मोक्ष के द्वार पर लेके जाएगा. इसी बातों के साथ हम सबसे मैं यही बोलता हूँ कि जो भी आप करो, जो अखिलेश जी ने किया है, मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने ये अवार्ड फंक्शन किया, लोगों को बुलाया, लोगों को मिलाया. और मैं ये चाहूंगा कि अखिलेश जी हर टाइम ऐसा करते रहें, हम लोग हर टाइम उनका साथ देते रहें. इसी प्रकार सभी से विनती है, सभी अपना अपना काम करते रहें और मेहनत करें, लगन से करें, करते रहें जीवन में और एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को पहचानें, अपनी जबान पर लगाम रखें. बाकी इस प्रकार करते रहें तो अपना जीवन एक सरल हो जाएगा, आराम से एक मार्ग मिल जाएगा. अखिलेश सर ने सब जगह के सब वहाँ के लोगों को यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज है जो अच्छा काम करते हैं वहाँ पे इनको एक मंच पे लाके खड़ा किया है जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है. यहाँ पे आके सब लोग आनंदित होते हैं, अवार्ड लेते हैं, एक दूसरे की पहचान बनाते, अपने काम से दूसरे को ऊर्जा देते हैं. यहाँ पे अभी ये फिल्म इंडस्ट्री है लेकिन हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर, टैरोट कार्ड रीडर भी है यहाँ पे, वो भी कुछ है इस समाज में. सब स्तर के लोगों को उन्होंने यहाँ पे बुलाया है अखिलेश जी ने. मैं उनका बहुत बहुत
अभिनंदन करती हूँ और मैं चाहती हूँ परमात्मा उनको और ऐसे काम करने की शक्ति दे। थैंक यू। मुझे भी मिला। थैंक यू। नमस्कार, मी निशी गंगा सुनील कापडणे, उत्तर महाराष्ट्र सौंदर्य समृद्धि विजेता। गेल्या 6 वर्षापासून मी राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करत आहे। त्याच्या माध्यमातून मला राज्यस्तरीय आदर्श समाजरत्न पुरस्कार सुद्धा घेतलेला आहे आणि वुमन्स डेच्या निमित्ताने मी तो सुद्धा पुरस्कार घेतलेला आहे आणि त्याच्याच माध्यमातून मी गरीब महिलांना आणि अनाथ जे मुलं असतात त्यांना मी म्हणजे सहयोग करते आणि खरंच थँक्यू, मनापासून आभार मानते मी माझ्या मिस्टरांना की ज्यांनी मला वेळोवेळी मार्गदर्शन केले, त्यांच्या माध्यमातून मी इथपर्यंत पोहोचलेली आहे आणि दादाजी फाळके पुरस्कार हा माझ्या आयुष्यातील पहिला पुरस्कार आहे। थँक्यू सो मच दादा सर। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये जो पुरस्कार है ये इंडियन टेलीविजन का सबसे पहला पुरस्कार है जिससे शुरुआत हुई। और जैसे आपने पूछा मेरी शायरी के लिए, तो मैं कविताएं लिखता हूँ, गजलें लिखता हूँ और उस घर से आता हूँ जहाँ पर उर्दू की शुरुआत होती है। मेरे पिताजी हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि हैं जिनका नाम देश विदेश में है और वो पहले ऐसे कवि हैं जिनकी लंदन में गजल, हिंदुस्तान के पहले कवि पहले शायर जिनकी गजल लंदन में दो लैंग्वेज में गाई गई है, इंग्लिश और उर्दू, और उसी का सिलसिला मैंने शुरू किया। तो मैं भी कविताएं गजलें लिखता हूँ, प्रोग्राम्स करता हूँ और गाता तो मैं 1990 से हूँ, 1992 से मैं शोज करता हूँ, साजिद भाई जी के साथ शोज किए, कुमार शानू जी के साथ के, बाकी फिल्म इंडस्ट्री के अभिजीत भट्टाचार्य हो गया, सोनू निगम हो गया, बाकी ने सभी तकरीबन सभी कलाकारों के साथ में किए और मुझे आज बेहद खुशी है। और अखिलेश जी से मैं यही एक बात कहना चाहूँगा कि वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और इसको और बड़ी तरीके से करें और जो नए नए कलाकार हैं, जो नए नए उभरते हुए जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं और बाहर जो तो अपने अलग फील्ड में काम करते हैं, वो लोगों को मंच दें और उनको आगे बढ़ाएं, तरक्की दें और वे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पुरस्कार के लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। हेलो, आई एम वरिंदर कौर, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट और इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गनर। पहले भी मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका है, मेरे काम के रिलेटेड मेरे काम को देख के मिला है, अभी भी मुझे आईफा अवार्ड मिला है और मैं मेरे को ये अवार्ड की इतनी ज़्यादा खुशी है कि पहले तब तक मैं जो टीवी में देखती थी, आज मैं दूसरी बार आईफा अवार्ड ले रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। इसका क्रेडिट मैं प्यू मैम को और इथलेश सर को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, आज मुझे इस लेवल तक लेके आए हैं। थैंक यू सो मच प्यू। सर मुझे अखिलेश जी ने अवार्ड किया है और मैं आयुर्वेदिक होम मेडिसिन और शुगर घुटना कमर दर्द के लिए इलाज करता हूँ और मेरा खुद का पर्सनल ट्रस्ट है, तो मैं मेडिसिन के लिए मैं अवार्ड करता हूँ। थैंक यू सर। कल्याण मसू परिवार को सेकेंड बार बाबा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। हमने लास्ट 6 साल से हमने गरीबों को फूल बांटा है, स्कूल की बच्चों की फीस, हॉस्पिटलाइजेशन और बहुत सारे जीव दया से लेके बहुत सारे कार्य आज भी हमारे चल रहे हैं। और आई एम द कल्याण मसू फाउंडर निलेश शाह एंड सी इज को फाउंडर ऑफ कल्याण मसू परिवार। आज हमें ये अवार्ड लेके बड़ा गर्व महसूस होता है और आगे भी हमारी सेवा अबरी चली रहेगी। तो थैंक यू सो मच अखिलेश जी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सबसे पहले सभी को प्यार भरा नमस्ते। एक्चुअली अखिलेश सर जी ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 के लिए। इसी के पहले आईफा भी मुझे मिल चुका है। सेकंड थिंग भारत गौरव सम्मान भी मिला है, डॉक्टरेट भी मुझे मिला है। काफ़ी 2 महीने में मुझे काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। तो थैंक यू अखिलेश जी। और एक्चुअली ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को भी पता नहीं चलता। एक्चुअली आपका जो काम होता है ये
पूरी मेहनत के साथ होना चाहिए। इस आपका फल मिलता है या सुफल मिलता है, ये लेकिन देर से मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है। ये मुझे इसका ये फल मिला है तो थैंक यू। और आपकी मीडिया है, मीडिया को भी एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहता हूं मैं, क्योंकि आपकी वजह से हम लोग हैं आपके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अखिलेश जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो उन्होंने हमारे फाउंडेशन को, हमारा वर्क देखे, यूनिटी फाउंडेशन का जो हम लोग यूनिटी फाउंडेशन के माध्यम से जो गरीब मजलूम रहते बेचारे, उनको जो हम लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आगे आते हैं, तो ऐसे काफ़ी लोग हम लोग मदद किए हैं। तो अखिलेश जी ने हमारा काफ़ी प्रोफाइल देख के उनको अच्छा लगा और उन्होंने यहाँ पर बुलाया, तो मैं अखिलेश जी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और थैंक यू सो मच। जो नाम है गुलजार आलम, मैं दिल्ली से आया हूँ, इंडियन डायलिसिस सेंटर से। इस अपॉर्चुनिटी में मुझे बुलाया गया यहाँ पे, मैं अखिलेश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हमारा सेकेंड अवार्ड है, फर्स्ट टाइम मैं आईफा अवार्ड के लिए आया था, अभी हम दादा साहेब फल्के अवार्ड के लिए आया हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अखिलेश जी का और मुंबई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरती दीपक जैन है, मैं नासिक से हूँ। मैं मॉडल और एक्टर हूँ, मैं मराठी सीरियल में भी काम करती हूँ, मैं मराठी सीरियल तुझमाझी सपा इस सीरियल में काम करती हूँ। और मुझे मिसेस नासिक, मिसेस महाराष्ट्र इस की विनर भी रह चुकी हूँ, और अभी मुझे मिसेस राजस्थान, मिसेस बीकानेर की भी विनर हूँ। अभी मैं फिलहाल में ही मुझे इंटरनेशनल मलेशिया क्लासिक 2024 की भी विनर रह चुकी हूँ। ये अवार्ड मुझे एक बेस्ट मॉडल, बेस्ट एक्टर के लिए दिए जा रहा है। यह अवार्ड मिलके लेके मैं बहुत खुशी हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच प्यू मैम, आपने मुझे इतनी बड़ी और ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। एंड माय सपोर्ट सिस्टम, माय डियर हस्बैंड, उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू आई वुड लाइक टू थैंक्स अ लॉट टू मिस्टर अखिलेश सिंह कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से ऑनर किया। एंड बाकी अगर मेरे काम के बारे में कहना चाहूँ तो किसी भी आर्टिस्ट को, जैसे मैंने वहाँ कहा, किसी भी आर्टिस्ट को जब उसके काम से ऐसे नवाजा जाता है, इतने प्रेस्टीजियस अवार्ड से नवाजा जाता है, तो ये हमारे लिए एक एनकरेजमेंट होता है, हमारे लिए एक अप्रिसिएशन होता है कि और हम बेहतर काम करें। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी। प्रोजेक्ट्स अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, एक थिएट्रिकल फिल्म है, इंडो अमेरिकन फिल्म है, जो कि फर्स्ट US में रिलीज हो रही है, देन इंडिया में थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इट्स अ इंग्लिश फिल्म, सेमी हॉलीवुड काइंड ऑफ फिल्म। एंड बाकी कुछ वेब सीरीज आ रही है, कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। I feel I'm very honored to receive this award and thank you to Akhilesh ji jinhone mujhe ye opportunity di hai award ke liye, and thank you to Dada Saab Phalke for giving me this award. So I'm really 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 honored. इवेंट के लिए तो जैसा कि मैंने बोला दैट आई एम वेरी ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड। उर्फी के लिए क्या ही कहूँ, जर्नी रही है 2 साल की, तो अभी तो बहुत कुछ आप लोगों ने देखा है और भी बहुत कुछ आने को है, तो ये तो अभी बस शुरुआत है। आई फील लाइक वो तो सरप्राइज है, वो सरप्राइज ही रहेगा आप लोगों के लिए, अभी बता दूंगी तो सरप्राइज कैसे रहेगा। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? अखिलेश जी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, मेरी एक एनजीओ है, इंडिया खिदमत फाउंडेशन, और हमारी चैरिटी इतनी बड़ी है, और जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, जितने भी हमारे इंस्टाग्राम की सेलिब्रिटी हैं दिल्ली NCR के, सब हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी हेल्पिंग फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं। अखिलेश जी ने हमें सम्मानित किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सभी मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोगों ने ये गाना शूट किया था गोवा में, ठीक है, और ये गाना हम लोगों ने विद इन डे शूट किया था और एक ही दिन में एडिट करके हम लोगों ने वो गाना डाला। तो बेसिकली जितना गाने के लिए मुझे सब लोग बोल रहे कि अच्छा अच्छा बोल रहे, उतना ही मुझे लगता है कि इस गाने के कंपोजर, लिरिक्स राइटर, सिंगर सागनिका चंद्रा, उसके बाद में मेरी टीम जयदीप घाड़गे, उसके बाद में जो भी मेरे एक्टर्स थे मीरा वगैरह, तो उन सबको थैंक यू मेरी तरफ से, और ये वो भी हकदार है इन सब। हम लोग अभी एक एल्बम रिलीज कर रहे हैं जिसके अंदर एक 5 गाने
और वो गानों के साथ में हम लोग लाइक सागनी का चंद्रा का ही है वो एल्बम से पूरा का पूरा, और वो हम लोग बड़े लेवल पे ही करना चाहते हैं। ये गाने आएंगे, टीवी पे भी आएंगे, यूट्यूब पे भी आएंगे, स्पॉटिफाई वगैरह तो आ ही जाते हैं सब जगह से। ठीक है, थैंक यू सर। हमारा सेकंड ईयर है अखिलेश जी के साथ जुड़ने का। वी आर द आउटडोर एडवर्टाइजिंग पार्टनर टू अखिलेश जी, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर्स। वी हैव बिलबोर्ड्स ऑल ओवर मुंबई एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एंड वी विश अखिलेश जी मेनी मोर सक्सेसफुल इवेंट्स लाइक दिस। एंड वी कांग्रेचुलेट ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ आवर मीडिया ऑल दोस पीपल हु हैव वन द इवेंट इन द ट्रॉफीज टुडे। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड बहुत खुशी है कि एक रिकग्निशन मिला एनजीओ के लिए, वैदेही के लिए, और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मोटिवेशन हो गए। एंड थैंक यू सो मच अखिलेश जी इतना हमें रिकग्निशन देने के लिए बैंगलोर से बुला के। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। अभी यही है कि बॉम्बे में भी एक और वैदेही खुली है करके बहुत लोग बोल रहे हैं, हमारा एनजीओ एक और स्टार्टअप हो जाए इधर, बहुत लोगों को अन्नदान करे, कैंसर लोगों का बहुत कनेक्शन दे दिया दूसरे एनजीओ वाले ने हमें, तो जिसको मेडिसिन वो सब सपोर्ट चाहिए वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा हाथ इधर भी डाल दो बॉम्बे में, सो दैट वी कैन हेल्प देम for the medication करने। thank you so much। ये मेरा second award है, पिछली बार हम आईफा के लिए आए थे और इस बार दादा फाल्के award के लिए आए हैं, और बहुत खुशी है क्योंकि जैसे जैसे हम काम करते हैं और ये हमारा award होता है as an actor, so बेहद खुशी है कि अखिलेश जी ने यहाँ बुलाया और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, और जी टी वी को बहुत प्यार देने के लिए, मीत को प्यार देने के लिए, और मैं हूँ साथ तेरे सीरियल को प्यार देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए जो मेरा नाम नॉमिनेशन में दिलवाया, और मैं बहुत खुश हूँ मुंबई आकर, और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, यहाँ तक आई जिस बात की बहुत खुशी है, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू आप सबको, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा इस इवेंट में आके, बहुत मेहनत की थी जब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू बोलना चाहूँगी अर्षा जी को। अच्छा लगा इस अवार्ड को पाके, और मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अर्षा जी को, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से प्यार दिखाते रहे। Love you, please, bye. Thank you so much. ठीक है जी, मेरा नाम मिहिर त्रिवेदी है, और आज इस इवेंट में यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में जीतना और ये अवार्ड, ये रिकॉग्नाइजेशन पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे ये अवार्ड माय कंट्रीब्यूशन इन राइटिंग, लेखक की हैसियत पर मुझे ये आज का अवार्ड मिला है। जनरली हम लेखक जो होते हैं वो हमेशा अकेले में ही काम करते हैं, अकेले में ही अपना सब कुछ लिखना पेन पेपर के साथ में ही होता है, कंपेयर टू एक्टर डायरेक्टर सब जो है वो ग्रुप में काम करते हैं। तो हम जब इस तरीके के अवार्ड में आते हैं और ऐसा कोई अवार्ड पाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, और ये रिकॉग्नाइजेशन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की पूरी टीम का। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सबको नमस्ते, हम रांची झारखंड से आए हुए हैं, और मुझे ये पुरस्कार मिला है हिंदी राइटिंग के लिए। एक्चुअली बेसिकली हम सिर्फ हिंदी में ही लिखते हैं, और मेरी काफ़ी बुक्स हैं जो काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में गई हुई हैं, और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब अखिलेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, और थैंक यू, मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं कर्नाटक से आया हूँ, मेरा नाम ये आंजनेया है। दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2024 का ये अवार्ड मिलने से मैं बहुत खुशी हो गया। ये अवार्ड सभी कलाकारों को मैं अर्पित कर रहा हूँ। उसके बाद ये क्या है, मेहनत काम करना
कैसरत भाई मसरूफ बोलते ना वही हिसाब से कौन मेहनत करता है उसको सक्सेस होता है मिलने का ये वीकनेस है। सबको मैं धन्यवाद सुनाता हूँ। दौड़ रहे मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अखिलेश जी का कि उन्होंने इतना बड़ा मंच रखा और सबको सम्मानित किया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ तक आने के लिए और अखिलेश जी ने उसी मेहनत को तराश के जो सबको अवार्ड दिया है मैं सचमुच उनका थैंक्स कहना चाहूँगा और पूरी टीम का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा यहाँ पे अवार्ड पाकर अखिलेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे को बहुत आज खुशी हो रही है कि अखिलेश जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया मेरे को इन्वाइट किया और मेरे को इतना बड़ा अवार्ड दिया और हमारा जो काम का जो भूल गया ना एक सम्मान दे दिया उसके लिए मैं बहुत बड़ा खुश हूँ और सबको मैं अखिलेश जी का आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज मानवी गुप्ता फ्रॉम बिहार पटना बट लिविंग इन करेंटली मुंबई और मैं 2020 में मिस पटना रह चुकी हूँ और मैं सबसे थैंक्स गुजार हूँ अखिलेश सर का क्योंकि उसने मुझे मिस मुंबई लाइक समझा और उसने मुझे सम्मानित किया। थैंक यू सर। और मैं आगे मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड ये सब के लिए मैं फाइट करूँगी और आप लोग का सपोर्ट रहेगा मेरी एक्टिविटीज रहेगी मेरी मेहनत रहेगी तो मैं काफ़ी आगे बढ़ूंगी। थैंक यू।